Zuppa. Choppa. यो, तो पिछले वीडियो में हमने डेविल बैक फाइट को देखा था और आज हम लोग एपिसोड 227 और 228 को देखने वाले हैं। तो डेविल बैक फाइट को हारने के बाद फॉक्सी इस आइलैंड को छोड़ के चला जाता है और फिर सेम लूफी और सब लोग टोंजित को बाय कह के एक नए सफर पे जाते हैं। लेकिन ये सफर कुछ खास नहीं था क्योंकि ये सभी फिलर आर्क थे। इसके बाद लूफी और सब लोग इसी आइलैंड पे दोबारा आते हैं और फिर यहीं पे आने के बाद उनका सामना होता है एक अजीब से आदमी के साथ, जिसको देखने के बाद रॉबिन बहुत डर जाती है। रॉबिन इतना इसलिए डर रही थी क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो कोई एरा गैरा नहीं है बल्कि ये नेवी के तीन एडमिरल में से एक अकोजी है। तो सबसे पहले सॉरी, मैंने इस आदमी को अकोजी कहा है जबकि इसका रियल नेम आओकेजी है, ठीक है। तो आधी वीडियो तक मैंने ऐसे इसको अकोजी कहा है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो समझो, मैरीन यानी नेवी के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट फ्लीट एडमिरल होती है और फिर जस्ट उसके नीचे तीन और एडमिरल होते हैं। मतलब समझ सकते हो कि नेवी की आधी से ज्यादा पावर इन लोगों के पास है और ये बंदा तीन एडमिरल में से एक है। अकोजी के लेवल के बारे में निको रॉबिन को बहुत ज्यादा ही पता है और इसी वजह से रॉबिन अकोजी से बहुत डर रही थी। रॉबिन अकोजी से बहुत पहले मिली थी। अकोजी चाहता तो रॉबिन को उसी समय मार सकता था, लेकिन फिर भी उसने रॉबिन को एक और मौका दिया था। एक पायलट को उसके इनाम के बेसिस पे जज किया जाता है। किसी के ऊपर इनाम लगने का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और इससे भी मेन बात, किसी के ऊपर लगे इनाम को देख के हम लोग ये भी बता सकते कि वो लोग नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। और अभी निको रॉबिन के ऊपर 7,90,00,000 का इनाम लगा हुआ है, यानी कि रॉबिन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। रॉबिन को इस हालत में देख के लूफी को बहुत गुस्सा आता है। लूफी समझ जाता है कि ये बंदा निको रॉबिन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और इसीलिए लूफी अकोजी को मारने के लिए दौड़ता है। खैर, अकोजी का किसी के साथ लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो बस कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहता है। और वैसे भी अकोजी यहाँ पे निको रॉबिन को मारने नहीं आया था। अकोजी को इतना पता था कि निको रॉबिन ने क्रोकोडाइल का साथ छोड़ दिया है और फिर क्रोकोडाइल को छोड़ने के बाद उसने स्ट्रॉ हैट पायरेट को ज्वाइन किया है। हम उसी आइलैंड पे कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि बहुत घायल लग रहे थे। जब उन्हें पता लगता कि एक एडमिरल उनके सामने है तो फिर वो सारे लोग अकोजी से मदद मांगने के लिए आते हैं। एक्चुअल में वो लोग अपना सफर कर रहे थे, लेकिन तभी उनके शिप के ऊपर एक मेंढक का हमला होता है जिसकी वजह से उनके ये शिप टूट जाती है और वो लोग इस आइलैंड पे फंस जाते हैं। वो लोग बहुत घायल लग रहे थे और उन्होंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया था। अकोजी समझ जाता कि ये सारा काम योकोजुना ने किया होगा। योकोजुना उसी फ्रॉग का नाम है। अकोजी सबको अपना सामान पैक करने के लिए बोलता है। चॉपर सबको जाने से पहले उनका इलाज करता है और फिर सबके लिए सांझी बढ़िया से खाना बनाता है। इन सब के बाद जब वो लोग अपना सामान पैक करके सामने आते हैं, उनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि आखिर अकोजी उनकी मदद कैसे करने वाला है। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें अब आगे क्या करना है क्योंकि उनका आइलैंड यहाँ से बहुत दूर है और बीच में इतना बड़ा समुद्र को वो लोग कैसे पार करेंगे। अकोजी वहाँ से उठ के पानी के पास जाता है और पानी के अंदर अपना हाथ डालता है। उसके ऐसा करने के साथ ही अंदर से एक बहुत बड़ा सा सी मॉन्स्टर बाहर आता है। वो सी मॉन्स्टर अकोजी के ऊपर हमला करने वाला था। लूफी और ज़ोरो तो अकोजी की मदद करने वाले थे, लेकिन तभी अकोजी बोलता है, इसके बाद वो पूरा समुद्र जम जाता है और साथ ही साथ वो सी मॉन्स्टर भी। और इसी टाइम पे लूफी रियलाइज करता कि आखिर उसका लेवल कितना कम है और जिनसे वो पंगे ले रहा है यानी कि नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो लोग किस लेवल पे हैं। मतलब समझो कि इस बंदे ने लिटरली पूरे समुद्र को जमा दिया और उसने ये चीज बहुत कैजुअली किया था। तो सोचो अगर ये बंदा अपनी फुल पावर से किसी के ऊपर हमला करेगा तो उस बंदे का क्या होगा। लूफी के साथ साथ वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। खैर, वो सभी लोग बर्फ के ऊपर चल के अपने आइलैंड की तरफ जाते हैं। अकोजी बताते कि ये कम से कम 7 दिनों तक रहने वाली है। लूफी और सब लोग बर्फ के ऊपर मजे करते हैं। उसके बाद जब वो लोग आइलैंड के ऊपर दोबारा जाते हैं, वो देखते कि उनके सामने अकोजी बैठा हुआ है और उसको देख के लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अकोजी यहाँ पे निको रॉबिन से मिलने आया था, लेकिन साथ ही साथ वो लूफी को देखने आया था। हमें पता लगता है कि लूफी के एक दादाजी भी हैं। दादाजी तो सबके होते हैं, अगर वो नहीं होते तो हम लोग कैसे होते।
हाँ हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसके दादाजी नेवी के एक ऑफिसर हैं। तो हाँ, लूफी जहाँ पे किंग ऑफ पायरेट बनने का सपना देखता है, जिसने नेवी को एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना दुश्मन बना लिया है, उसी लूफी के दादाजी नेवी के लिए काम करते हैं। खैर, अकोची का मन है कि वो लूफी एंड रॉबिन को यहीं पे मार दे और साथ ही साथ जोरो, सांजी एंड बाकी सबको भी, क्योंकि भले ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अभी वो लोग इतने खतरे की बात नहीं है, लेकिन वो टाइम दूर नहीं है जब लूफी एंड सब लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाक में दम करने लगेंगे। तो फिर उस टाइम को आने से पहले ही लूफी एंड सबको मारना सही रहेगा। रॉबिन ने अकोची की बातें बहुत देर तक सुन ली थी और अब वो और बातें नहीं सुन सकती, इसीलिए वो अकोची के ऊपर हमला करती है। रॉबिन के हमले की वजह से अकोची बर्फ की तरह टूट जाता है। सबको लग रहा था कि अकोची को रॉबिन ने मार दिया, लेकिन अगले ही सेकंड एक बर्फ का पीस पूरा अकोची का शेप ले लेता है, जिसका मतलब है कि अकोची अभी तक मरा नहीं। अकोची कुछ घास के पीसेस तोड़ के उस पे फूक मार के उसकी ब्लेड बना लेता है और उसी चीज से वो रॉबिन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जोरो वहाँ पे आता है और उसके हमले को रोक लेता है। सांजी अपने किक का इस्तेमाल करके उस ब्लेड को बहुत दूर फेंक देता है। लूफी भागता भागता आता है और वो अकोजी के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। अकोजी बहुत सीरियस लग रहा था। अकोजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके तीनों के बॉडी पार्ट को जमा देता है और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, अगर वो बर्फ उनके शरीर से नहीं हटे तो वो हिस्सा पूरे जिंदगी भर के लिए काम करना बंद कर देगा। इसके बाद अकोजी रॉबिन के पास जाता है और उसके पूरे शरीर को बर्फ बना देता है। रॉबिन इस हालत में हिल भी नहीं सकती और इस टाइम पे रॉबिन बर्फ की तरह टूट भी सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये रॉबिन का दी एंड होगा। अकोजी रॉबिन को पंच मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लूफी वहाँ पे आके रॉबिन को बचा लेता है। अकोजी रॉबिन को दोबारा मारने वाला था, लेकिन इस बार नामी उसोब और चॉपर रॉबिन को बचा लेते हैं और उसे लिख के भाग जाते हैं। लूफी रॉबिन को शिप पे ले जाने के लिए बोलता है। उसोब और चॉपर लूफी की बात मान के रॉबिन को लेके शिप पे जाते हैं। नामी अभी अकोजी का सामना कर रही थी। अकोजी नामी से बोलता है, वो समय दूर नहीं जब रॉबिन तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी और रॉबिन को अपने साथ के खुद के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बुला रहे हो, और वो टाइम दूर नहीं जब रॉबिन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और वो तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। नामी कहते कि इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी पाइट्स ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है। तभी वहाँ पे जोरो और सांजी अकोजी का सामना करने के लिए आते हैं, लेकिन लूफी उन्हें रोक देता है और उन्हें शिप पे जाने के लिए बोलता है। लूफी अकोजी के साथ ड्यूल करना चाहता है, यानी कि वो अकोजी के साथ अकेले में फाइट करना चाहता है। कोई भी लूफी को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी बात मान के वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो अब लूफी और अकोजी के बीच में लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ चॉपर रॉबिन को पानी में डाले हुए था ताकि उसकी बर्फ पिघल जाए। चॉपर रॉबिन की हालत को देख के बहुत परेशान था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी को इस हालत में देखा था। थोड़ी देर के बाद जोरो, सांजी और नामी शिप के पास आ जाते हैं। उसोप उनसे पूछता कि आखिर वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं और लूफी कहाँ पे है। नामी उसोप को बताते कि वहाँ पे लूफी अकोजी के साथ अकेले में लड़ रहा है। उसोप इस बात को सुन के बहुत गुस्सा था, क्योंकि आखिर वो लोग लूफी को अकेले वहाँ पे कैसे छोड़ सकते हैं, ये जानते हुए कि वहाँ पे अकोजी नेवी का एक एडमिरल है और वो किस लेवल पे है ये सबको पता है। खैर, सब लोग इस बात को जानते थे, लेकिन लूफी उनका कैप्टन, उसी के कहने पे ये लोग उसे अकेला छोड़ के आए थे। दूसरी तरफ अकोजी और लूफी की लड़ाई चल रही थी। लूफी अकोजी को एक किक मार के आसमान में उड़ा देता है और फिर एक पंच मार के उसे चकनाचूर कर देता है। लेकिन ये बात तो हमें भी पता है, अकोजी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अकोजी बड़े आराम से अपने आप को पहले जैसा कर लेता है और साथ ही साथ वो लूफी को बर्फ का पुतला बना देता है। ये सब करने के बाद अकोजी लूफी के सामने बैठता है और फाइनली वो रियलाइज करता है कि आखिर लूफी ने उसे ड्यूल मैच के लिए चैलेंज क्यों किया, ये बात जानते हुए कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये जानते हुए कि अगर वो उससे लड़ा तो वो मारा जाएगा। लूफी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि नामी, रॉबिन और बाकी सबको अकोजी कुछ ना करे, क्योंकि अकोजी और लूफी ड्यूल मैच कर रहे थे, यानी आपस में ही लड़ाई, और अगर अकोजी किसी तीसरे को इस लड़ाई के बीच में लाता है तो वो पागल ही साबित होगा। अकोजी लूफी को कैप्टन भी बोलता है, क्योंकि लूफी ने बाकी सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। खैर, अकोजी लूफी को जान से नहीं मारता, क्योंकि वो लूफी था जिसने क्रोकोडाइल को, यानी अपने मगरमच्छ को निपटाया था।
तो अब लूफी का और वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिसाब बराबर हो चुका है। यानी कि अगर लूफी का आओकी जी के साथ दोबारा सामना होता है तो फिर आओकी जी लूफी को इस बार की तरह जिंदा नहीं छोड़ेगा। यानी सिंपल शब्दों में आओकी जी ने अभी लूफी को एक जीवन दान दिया। इन सब के बाद आओकी जी अपनी साइकिल पे चढ़ के यहां से चला जाता है। और हां, आओकी जी की साइकिल पानी पे नहीं चल रही, वो बस पानी को बर्फ बनाता जा रहा है। आओकी जी के जाने के बाद वहां पे जोरो और सांजी आते हैं। वो लोग लूफी को जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं। जोरो एंड सांजी लूफी को गोइंग मैरी पे ले जाते हैं, जहां पे चॉपर लूफी एंड रॉबिन का इलाज करता है। बहुत टाइम के बाद फाइनली चॉपर बाहर आता है और वो बताते कि रॉबिन और लूफी खतरे से बाहर है। ये बात सुन के सबकी जान में जान आती है। खैर, लूफी और रॉबिन को पूरी तरीके से ठीक होने में 4 दिन का समय लगता है। और फिर 4 दिनों के बाद वो लोग फाइनली अपने एक नए सफर की तरफ निकलते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक फ्रॉग दिखता है जो कि सामने की तरफ चल रहा था। तो हाँ, यही वो फ्रॉग है जिसके बारे में आओकी जी बात कर रहा था, यानी कि योकोजुना। खैर, उस टाइम तक लूफी को बहुत भूख लग रही थी तो इसीलिए वो योकोजुना का पीछा करने लगता है। अब क्योंकि लूफी कैप्टन है, भले किसी को रोध हो गया लेकिन उसकी बात माननी पड़ेगी। गोइंग मैरी के साथ सब लोग योकोजुना का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी गोइंग मैरी किसी चीज से टकरा जाती है। नामी को एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेन आने वाली हो।